प्रशांत जी, इस समय एक जुडिशियल क्राइसिस की स्थिति है, ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप लंबे समय से इन तमाम सवालों पे उठा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपकी जो मांग थी वो अब सुनी जा रही है? जुडिशियल क्राइसिस तो है और कई महीने से चल रही है। इसके बारे में संकेत चार जजों ने दिया था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 10 जनवरी को, शायद 12 जनवरी को, और उन्होंने बोला था कि इसकी वजह से लोकतंत्र खतरे में आ गया है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन चीफ जस्टिस चला रहे हैं और जिस तरह से अपनी मास्टर ऑफ रोस्टर की पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ही नहीं लोकतंत्र भी खतरे में है। तो इसलिए है तो बहुत बड़ी क्राइसिस, और एक तरह से ये क्राइसिस के लिए चीफ जस्टिस भी जिम्मेदार हैं और दूसरी तरफ सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो मेडिकल कॉलेज केस में सरकार ने सीबीआई के ज़रिए बहुत सारा एविडेंस कलेक्ट कर लिया है चीफ जस्टिस के, जो इम्प्लिकेट करता है। ऐसे कुछ संकेत या प्रमाण मिलते हैं जिसमें? हाँ, वो तो इम्पीचमेंट मोशन में भी लगे हुए हैं ना, जो सीबीआई ने एविडेंस कलेक्ट किया है कि जो उन लोगों की बिचौलियों की बात हो रही है वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस से बात हो गई है, उन्होंने ये सब अग्री कर लिया है। फिर चीफ जस्टिस ने सीबीआई को परमिशन नहीं दी एफआईआर रजिस्टर करने की उस सिटिंग जज के खिलाफ, जो हाईकोर्ट का जज था जिसने भी इस केस से डील किया था। फिर जिस तरह से इन्होंने खुद इस केस को हैंडल किया, इनके सामने जो लगता रहा जिस तरह से हैंडल किया, वो सारे प्रमाण हैं। लेकिन उसके अलावा भी सीबीआई के पास और भी काफ़ी प्रमाण हैं जिससे कि सीधा सीधा चीफ जस्टिस इम्प्लिकेट होते हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है। विपक्ष ने बहुत समय लगा दिया। देखिए, ये इम्पीचमेंट क्योंकि एमपीज को करना होता है और एमपीज पॉलिटिकल पार्टी से बंधे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के बहुत सारे केस लंबित होते हैं कोर्टों में, तो पॉलिटिकल पार्टी बहुत कॉशियसली इस पे आगे बढ़ती हैं, बहुत सोच सोच के फूक फूक के आगे बढ़ती हैं। मैंने तो ये देखा है कि इम्पीचमेंट किसी जज का पॉसिबल नहीं है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज या किसी चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस का, जब तक कि आपके पास ठोस प्रमाण ना हो मिसकंडक्ट के और मामला पब्लिक में एक पब्लिक स्कैंडल बन गया है। सिर्फ ये दो चीज़ें जब प्रेजेंट होती हैं तभी आगे बढ़ता है, और तब भी कई बार आगे नहीं बढ़ता, जैसे इस केस में देखा गया। ये बताएं कि इस समय बहुत बार, कल जो जजमेंट आया उसमें भी और आज भी जो पूरी बहस है कि कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत पॉलिटिकल ओवरटोन है, चाहे वो पीआईएल को लेकर हो चाहे इम्पीचमेंट को लेकर हो, तो एक ऐसा लगता है ऐसे जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल शब्द है वो एक स्लैंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। देखिए, इम्पीचमेंट का प्रोसेस एक तरह से पॉलिटिकल तो होता ही है, क्योंकि एमपीज़ को शुरू करना होता है, एमपीज़ ही ख़त्म करते हैं। मैं तो शुरू से ही कहता रहा हूँ कि एक जुडिशल लोकपाल बनना चाहिए और इस जुडिशल अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही का प्रोसेस पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तो एक यही एक तरीका है कि किसी जज की जवाबदेही तय करने का इम्पीचमेंट ही रह गया है। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि चीफ जस्टिस के एक्शन से लोकतंत्र खतरे में आ गया है, तो और क्या किया जा सकता है? नंबर्स का खेल लोग बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 2 ही महीने रह गए हैं चीफ जस्टिस को रहने में, और संख्या है कि नहीं है, तो ये क्या सिर्फ एक शोशा है? तमाम तरह की बातें हैं। खुद जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसमें भी लोग कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए इम्पीचमेंट को। देखिए, बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि इसके वजह से उथल पुथल होगी जुडिशरी में, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई जैसे भी चल रहा है चलने दिया जाए, उथल पुथल ना हो, न्यायपालिका की गरिमा ना गिरे पब्लिक के आँख में, चाहे वो ढकोसला ही क्यों ना हो। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, मैं तो उसमें नहीं इत्तेफाक रखता। अगर न्यायपालिका में कुछ गड़बड़ी है तो उसको ठीक करनी चाहिए, ठीक करने के प्रोसेस में वो गड़बड़ी सामने तो आएगी। अगर चीफ जस्टिस मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो उससे डील करना चाहिए, उसकी वजह से चीफ जस्टिस का मिसकंडक्ट सामने आएगा। अगर आपको इम्पीचमेंट करना है तो करना है, उससे उथल पुथल होगी। लेकिन उथल पुथल ना हो उस डर से
क्या हम न्यायपालिका को खत्म होने दें? क्या हम लोकतंत्र को खत्म होने दें? कई लोग ये कहते हैं कि भाई किसी भी जज को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, उससे न्यायपालिका की गरिमा गड़बड़ा जाती है। अगर कोई बेईमानी कर रहा है तो उसको एक्सपोज नहीं किया जाना चाहिए, उसको जवाबदेह नहीं ठहराने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं तो ऐसे लोगों से इत्तेफाक नहीं रखता। वो तो चाहते हैं कि भाई जो जो व्यवस्था चल रही है चलने दो, हम तो मौज कर रहे हैं, बाकी लोग भी मौज कर रहे हैं, कुछ लोग मौज कर रहे हैं, चाहे न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, लोकतंत्र ध्वस्त हो जाए, जब तक हम मौज करते रहें तब तक चलने दो।